वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन। आज हम जिस बुक का रिव्यू करेंगे, ब्राज़ील के फेमस एजुकेटर और फिलासफर पालो फ्रेरे की ये बुक है, पेडागोजी ऑफ द अप्रेस्ड। पालो फ्रेरे ने 1921 में ये बुक लिखी और बेसिकली ये एक मिडिल क्लास फैमिली से थे और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी दुश्वारियों का सामना किया। 1968 में इन्होंने ये बुक लिखी और दुनिया की बहुत सी ज़बानों में इसके तराजम हुए। अगर हम एजुकेशन की टॉप 5 बुक्स देखें तो उनमें ये बुक शामिल है और 2016 तक ये वन ऑफ द मोस्ट साइटेड बुक ऑफ एजुकेशन रही है। मैंने जब इस बुक को पढ़ा तो इसके कंसेप्ट्स जो थे इंतहाई शानदार और इंतहाई ज़बरदस्त थे और मुझे लगा कि इनकी जो टीचिंग फिलासफी है इसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। इस किताब में 100 पेजेस और 4 चैप्टर्स हैं और इसमें फ्रेरे ने अपनी फिलासफी और अपने एजुकेशन के थॉट्स को कंबाइन किया है। पालो फ्रेरे बेसिकली रिकंस्ट्रक्शनिज्म की मूवमेंट से वाबस्ता थे और इन्होंने ये कहा कि हमें माशरे में ये जो जुल्म नज़र आ रहा है, जबर नज़र आ रहा है, एक छोटा सा तबका जो हमारा हाकिम बना हुआ है और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को उसने महकूम बना रखा है, तो इन चीज़ों को अब ख़त्म होना चाहिए और हमें एक पुरअमन दुनिया बनानी चाहिए जिसमें कोई जालिम ना हो, कोई मजलूम ना हो। तो अब वो कहते हैं कि अगर इस सिस्टम को हमने ख़त्म करना है तो ये सिर्फ मजलूम ही कह सकते हैं और हमें उन मजलूमों की तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए। मौजूदा निज़ाम तालीम को इन्होंने बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन कहा है और बड़ी कड़ी तनकीद की है। इन्होंने ये कहा है कि ये जो बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ये भी दरअसल जालमों का एक टूल है कि हम पढ़े लिखे सधाए हुए जानवर पैदा कर सकें, यानी सधाए हुए इंसान पैदा कर सकें जिनकी अपनी कोई सोच ना हो और सिर्फ वही सोचें जो उन्हें ताकतवर तबका सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। अब बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है? जैसा कि हम किसी बैंक में जाते हैं और अकाउंट में पैसे जो है वो मुंतकिल करते हैं, फिर उसके बाद उसे निकलवा लेते हैं, तो इनका मानना ये था कि ट्रेडिशनल हमारा मौजूदा हमारा ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये भी ऐसे ही है कि टीचर एक क्लर्क के तौर पर काम कर रहा है और स्टूडेंट के जहन में एक अकाउंट खोला जाता है और उसमें इंफॉर्मेशन डाली जाती है जो एग्जामिनेशन के टाइम स्टूडेंट वापस निकाल लेता है। तो ये रिसेम्बलेंस आपको हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में भी नज़र आएगी। पालो फ्रेरे ने इसे मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने कहा कि एक ऐसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन लाने की ज़रूरत है जो कि इन मजलूम लोगों को शऊर दे सके और फ्रीडम गिविंग एजुकेशन सिस्टम हमारा होना चाहिए। इनका कहना ये था कि टीचर की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी प्रैक्टिस करे और अपने स्टूडेंट को भी प्रैक्टिस सिखा सके। अब ये प्रैक्टिस क्या है? तो हम आमतौर पर अपने एजुकेशन में प्रैक्टिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिस इन चीज़ों को बार बार करना। तो इन्होंने कहा था कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रैक्टिस यानी गौर व फिक्र करना और उसके बाद उस पर अमल करना। सिर्फ आपने सोचते ही नहीं रहना बल्कि अमल भी करना है और सिर्फ अमल भी नहीं करना बगैर सोचे समझे। तो टीचर को और स्टूडेंट को प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने माशरे के बारे में उन्हें सोचना चाहिए, जब वो जुल्म देखें तो उसके बारे में सोचें और ऐसे स्टूडेंट हमने पैदा करने हैं जो सवाल उठा सके, जो क्यों का जवाब तलाश करें और क्रिटिकल थिंकर्स हों और क्रिएटिव बीइंग हों। हमने रटने वाले लोग और सधाए हुए लोग पैदा नहीं करने बल्कि हमने ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट पैदा करने हैं जो बाशऊर हों और इन नाहमवारियों के खिलाफ खड़े हो सकें। इन्होंने फिर अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी में डायलॉग पे बहुत जोर दिया है। ये कहते थे कि टीचर डोमिनेट करता है, स्टूडेंट बेचारा चुप करके सुनता रहता है, टीचर डिसिप्लिन का ख्याल रखता है और स्टूडेंट सिर्फ यस और यस करते रहते हैं। तो इनका ये मानना था कि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। टीचर
दरअसल एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट दरअसल एक टीचर है और ये तालीमी अमल में बराबर के शरीक हैं और इन्हें आपस में डायलॉग करना चाहिए, इन्हें माशरती नाहमवारियों पर, इन्हें माशे मौजूद बुराइयों के ख़िलाफ़ इन्हें बराबर की सतह पर डायलॉग करना चाहिए ताकि वो टीचर अपने स्टूडेंट को एक क्रिटिकल थिंकर्स बना सके और एक लिविंग बीइंग बना सके और ऐसी हम पॉपुलेशन, ऐसी हम नस्लें पैदा करें जो इस जुल्म के ख़िलाफ़ और इन नाहमवारियों के ख़िलाफ़ चुप ना रह सके बल्कि इसके ख़िलाफ़ स्टैंड लें, खुद भी जुल्म का शिकार ना बने और जालिम को भी बचा लें कि वो जुल्म ना कर सके। तो मैं समझता हूँ कि हर टीचर को ये बुक पढ़नी चाहिए ताकि उसकी अपनी जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है और लाइफ फ़िलासफ़ी है वो डिवेलप हो सके। एटलीस्ट उसे ये पता हो कि मैं जो स्टूडेंट बनाने जा रहा हूँ तो ये क्यों बनाने जा रहा हूँ और ये जो मेरी आउटपुट है, ये जो मेरी प्रोडक्ट है, ये हमारी सोसाइटी में क्या चेंज लेके आएगी। अगर मैं पाकिस्तान की सोसाइटी की बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि 70 ईयर्स जो हमने आज़ादी के अब तक गुजारे हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल फ्लॉप हो चुका है ऐसे लोग इस माशरे में शामिल करने के लिए जो कि सोचते हों, जो क्रिटिकल थिंकर्स हों, और हम तो सिर्फ वही लोग पैदा कर रहे हैं जो फैक्ट्स को अच्छा याद कर लेते हैं और दूसरों की राय पे चलते हैं जिनकी अपनी सोच और समझ नहीं होती। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम एक दिन ज़रूर ये सिस्टम बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे।